ये है एक गाइडलाइन जिन्होंने टीका सॉरी वैक्सीन लगवानी, सबसे पहले मुंह हाथ धोएं, खुले कपड़े पहने और मास्क वाए हफ्ता और इतवार, और एक ऐसे दोस्त को पकड़ें जो आपका स्वैग रिकॉर्ड कर रहा हो जब आप दाखिल हो अस्पताल में। होते ही अपनी गाड़ी पार्क करें, तब तक हम ये करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद जुनैद एंड दिस इज़ मोहम्मद हमजा अकरम, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज हम आए हुए हैं बाबडा हॉस्पिटल वैक्सीन का टीका इंजेक्शन लगवाने हैं, क्योंकि हमने पहले तीन चार जगह चक्कर लगा लिए, वहाँ से फाइजर नहीं थी लग रही, साइनोवैक लग रही थी जो कि मुझे लग जानी थी, ये अभी बेफाम पे लगा रहा है, इसको नहीं थी लगनी साइनोवैक, और ये फाइजर लगवा रहा है और मैंने भी अभी लगवानी है, अभी जाते हैं। इसके बाद रिसेप्शन पर पूछ कर कहाँ अमल हो रहा है वहाँ पहुँच जाए। तीसरा स्टेशन है जिसमें हम वैक्सीन का पता करने के लिए आए हैं, इधर ही पता चल जाता है कि वैक्सीन लग रही है या नहीं, क्योंकि मैं मुझे फाइजर लगनी है तो वो फाइजर कहीं से मिल नहीं रही। रूम नंबर 133, वेयर इज़ इट ब्रदर, 135 मैंने बोला। जाते ही कमरे के बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड से पर्ची ले, इंफॉर्मेशन लिखे और इंतज़ार करें अपनी बारी का। फिर जो भी आपको वैक्सीन लगा रहा है वो पर्ची उधर दे और इंजेक्शन लगाए। उसी रास्ते से नीचे उतरें और पार्किंग से गाड़ी लें। हम तब तक ये करते हैं और आप चलें। अभी हम लोग बाबडा हॉस्पिटल में आए थे वैक्सीन लगवाने के लिए, तो पहली डोज हम दोनों को लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तीन जगह पर हम लोग गए थे, पहले स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स गए थे, उसके बाद छोटी टी ग्राउंड गए थे, और एक और जगह सत्याने रोड पे, कौन सा ना नहीं हसीब शहीद रोड पे, तो वहाँ पर गए थे। ये तीन जगह पर हमें, उन्होंने फाइजर हमें नहीं थी अवेलेबल, लेकिन लगवानी फाइजर ही थी, इसको साइनोवैक लग सकती थी लेकिन मुझे फाइजर ही लगनी थी, क्योंकि एक तो बेफाम फाइजर लग रही है और दूसरी फाइजर लाइट है थोड़ी सी, तो इसलिए हमें फाइजर ही लगनी थी, लगवा ली। ये अमल हर अस्पताल में किया जा सकता है। Thank you.